हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम सीखेंगे वॉशिंग मशीन का पल्स हीटर कैसे निकालते हैं। तो गाइस, एक पेचकस ले लिया है हमने, अब हम इसका पेच खोल लेते हैं। तो गाइस, इसका पल्स हीटर बहुत हार्ड है, जो निकल नहीं रहा है बाहर, जो कि बिल्कुल जाम हो गया है जंग लगने के कारण। तो गाइस, अगर ये कंडीशन फंसती है आपके सामने के पेच पे, जंग लग जाए और उसका पल्स हीटर ना निकले, बहुत जाम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो गाइस, पहले हम सबसे पहले इसका हम पेज खोल लेते हैं। तो गाइस, हमने इसका पेज खोल दिया है, अब हम इसके आहिस्ते आहिस्ते से देखते हैं हमारा प्यार से निकलता है या नहीं। तो गाइस, इसमें पकड़ भी नहीं होती कि किसी तरीके से हम पकड़े और इसे निकाल लें। यही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि हमें पल्स हीटर निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, अब क्या करते हैं, अब इसका हम पेच लगाते हैं, हाफ पेच लगा के फिर हम उसको पकड़ के देखते हैं कि हमारा पेच से बाहर आ रहा है क्या। तो गाइस, अब हमने पेच लगा दिया है, अब हम इसकी सहायता से देखते हैं कि हमारा पल्स हीटर बाहर आ रहा है नहीं। तो गाइस, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारा पल्स हीटर बहुत ज़्यादा जाम है। तो गाइस, इसके लिए हमें चाहिए होंगे दो पेच, हमने दो पेच ले लिए हैं। तो गाइस, किसी भी जगह दो पेच लगा देना है हमें। एक तो हमने गाइस ये लगा दिया है, इसे पेचकस की सहायता से टाइट कर दें पेच को पहले। ये देखिए गाइस, हमने पेच लगा दिया है, अब इसे हम टाइट कर रहे हैं। इतना टाइट करना है कि ये बाहर ना निकले। इसी तरह गाइस, दूसरा पेच इसके अपोजिट साइड लगा दें। ये देखिए गाइस, इसे हल्का सा टाइट करके बाद में आप इसे पेचकस से अच्छी तरह टाइट कर दें। इतना भी ना करें कि अंदर मशीन में चला जाए, और इतना करें कि फुल टाइट हो जाए, जो बाहर ना निकले। तो गाइस, ये टाइट करने के बाद हमें चाहिए होगी एक रस्सी। एक रस्सी किसी भी तरह की, कोई भी रस्सी, मजबूत सी हो, आप उस रस्सी को ले सकते हैं। रस्सी को लेने के बाद गाइस, ये देखिए हमने रस्सी ले ली है, अब रस्सी से हम दोनों पेच में बारी बारी एक गीठा मार देंगे। एक गीठा हमें गाइस इस साइड मारनी है इस पेच में। ये देखिए, हमने एक इसमें लगाया है, ये गीठा मार दी है। ठीक है गाइस, अब हम इसमें मारते हैं दूसरी साइड गीठा। तो गाइस, ये देखिए हमने दूसरी साइड भी गीठा मार दी है। तो गाइस, गीटा मारने के बाद अब हल्का सा इसे घुमाना है, हल्का सा घुमा के और इसे ज़ोर से झटका मारना है। एक दफ़ा में इतनी ज़ोर से झटका मारना है कि ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए गाइस, इतनी आराम से हम अपना पल्स हीटर निकाल सकते हैं गाइस, इस ट्रिक से। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।